हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स नॉट से 2024 के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, इसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको, जो अभी अप्रैल में इसका एग्जाम होने वाला है 2024 को। हार्डली अभी 3 महीने बचे हैं आपके पास। प्रिपरेशन बहुत टफ होता है, आपको फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए बहुत टफर होता है। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट वर्क आप प्राइवेट जॉब करते हैं, ड्यूटीज करते हैं अपने साइड से, और साइड में लोग अपना स्टडी भी करते हैं फॉर योर ड्रीम पूरा करने के लिए। पर आपको उस डेली आपको गाइडेंस के थ्रू स्टडी करना रहेगा, उसके साथ आपको प्रिपरेशन भी करना रहेगा, और आपको पूरा डेली टू डेली आपको वर्क करना रहेगा, तो ही आपका सिलेक्शन होता है फॉर एम्स नर्सिंग, नर्सिंग ऑफिसर की जॉब है। अभी हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस में आपको कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहले ये कोई नॉट अ कप ऑफ केक फॉर कैंडिडेट इज हु आर वर्किंग इन प्राइवेट जॉब। दोनों को एक साथ मैच करके नहीं कर सकते। आपको प्राइवेट जॉब को थोड़ा कम ध्यान देना पड़ेगा, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है। आपको एक पोजीशन सिक्योर करने के लिए हाई कंपटीशन है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, और जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड वैकेंसीज आती है। इसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटे आपको पर डे आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो ही आपका मतलब चांसेस रहते हैं कि सिलेक्शन होने के। उसके बाद आपको लिमिटेड टाइम देना पड़ेगा। द हेल्थ केयर फील्ड इज डिमांडिंग। जो हेल्थ केयर की जो फील्ड होती है बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग होती है, और बहुत ज़्यादा नर्सेस है हॉस्पिटल्स में, वो लोग अपना टाइम से निकल के स्टडी करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ही हाई कॉम्पिटिशन है। और इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से बहुत लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, क्या करोगे। इसके लिए आपको सिंपली फिजिकल कोचिंग क्लासेस आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे, और ड्यू टू देयर प्रोफेशनल कमिटमेंट। और वर्क स्ट्रेस, आपको क्या होता है बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस होने लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम आपको क्या होता है कि लगे ऐसा लगता है, प्रेशर आने लगता है, ऐसा लगता है कि आप तो नहीं हो पाएगा हमसे, क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर लेते हो, आपका स्ट्रेस लेवल को बढ़ाया था, तो अपने आपको थिंक पॉजिटिव रखना है कि हाँ हमको करना है, हम डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ आपको वर्क करना है और स्टडी भी करना है। स्टडी आपको 10 से 12 घंटे पर डे आपको करना है। और आपका मोटिवेशन लेवल, इसमें क्या होता है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन में क्या होता है, जो वर्किंग एक्सपीरियंट है उन लोग का मोटिवेशन कम हो जाता है कि यार वो लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, कभी मार्क्स बढ़ रहा है कभी कम हो जा रहा है, तो मोटिवेशन क्या होता है ना, बहुत का मोटिवेशन कम हो जाता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि आपको डेली टू डेली रेगुलर आपको रहना है, प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है, प्रॉपर तरीके से आपको मॉक टेस्ट देना है, सब कुछ आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको करते रहना है। बहुत लोग ये बोलते हैं हमको जॉब के साथ प्रिपरेशन भी करना है, उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। उसके लिए हम आपको बता देते हैं, कुछ टिप्स बता देते हैं। प्लान इफेक्टिव स्टडी प्लान, उसमें आपको नॉर्मल क्या होगा कि आपको एक लिमिटेड टाइम आपको अवेलेबल करना पड़ेगा। कि जैसे एग्जांपल में हम आपको बताएं, आपको डेली के 4 से 6 घंटा पढ़ना है, कि 8 घंटे पढ़ने, कि 10 घंटे पढ़ने, आपको एट अ टाइम फिक्स कर लेना है मुझे इतना घंटा पढ़ना है। आपको कैसे भी करके उतना टाइम आपको पर डे डेली निकालना है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताएं कि आपको एलोकेट मिनिमम कम से कम 6 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको उसके टॉपिक को कवर अप करना पड़ेगा एम्स नॉर्सेट के सिलेबस को, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही है ये मार्केट में। और नर्सिंग ऑफिसर ऐसे भी हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई नर्स आपको देखने को मिल जाता है जो इसके लिए अप्लाई करता है। आपको एक ऑनलाइन कोचिंग आपको एनरोल करना पड़ेगा, जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उनको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको नॉर्मली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ऑनलाइन में ही करना पड़ेगा, जो उसमें ये होता है कि आपका टाइम कंज्यूम बना रहे, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा ऑनलाइन कोचिंग करते। उसके आपको स्टडी मटेरियल आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, ऑनलाइन में आपको मिल जाते हैं। हो सके तो आप ऑनलाइन से स्टडी कर सकते हो मटेरियल्स को, या फिर आप परचेस करके कर सकते हो, या फिर आप पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट आउट निकाल के भी आप स्टडी कर सकते हो ऑफलाइन में। ये आपकी अपॉर्चुनिटी, आप कैसे क्या करोगे। और आपको प्रॉपरली नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे फॉर रिविजन के लिए। आपको पर डे का जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसका प्रॉपर तरीके से उसके की पॉइंट्स निकालोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निकालने हैं, और प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। और उसके अंदर क्या क्विक नोट्स बनाने हैं, आपको कुछ दिन बचेंगे क्योंकि उसी से आपको पढ़ना रहेगा, उसी से आपको रिविजन करना रहेगा। उसके जैसे डेली के डेली जो लेक्चर्स होंगे उसको प्रॉपर तरीके से नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख के रखना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपको डेली आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, डेली लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना डेली के बेसिस पर, जिससे क्या होगा कि आपने जो टॉपिक को किया है वो टॉपिक आपका प्रॉपर तरीके से बना रहे और ग्रिप में बना रहे। उसके लिए आपको डेली उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपने प्रैक्टिस ड्रॉप किया तो आपको बहुत ज़्यादा इशू होता है कि वो टॉपिक आप भूल जाते हो,
उसकी वजह से क्या होता है कि आगे का टॉपिक आपको नहीं कैचअप कर पाते हो। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहना उसके लिए। अब जैसे डेली नए नए टॉपिक आपको सीखने को मिलेंगे तो उसके रिगार्डिंग वो प्रैक्टिस करते रहना है डेली बेसिस पर। अब उसके बाद अभी बात करते हैं वीकेंड फॉर रिविजन। आपको इससे वीकेंड आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको वीक में संडे और सैटरडे संडे मिल, उसमें आपको पूरा जो संडे है जो आपने लास्ट वीक में जितना पढ़ाई की है, जितना प्रिपरेशन किया, संडे को उस दिन आपको टोटली रिविजन पर आपको फोकस करना है और प्रॉपर आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, जो पूरा फुल लेंथ लगाना, देखने का आपका कितना मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, पहले कितने आते थे अभी कितना आ रहा है। पर डे तो आपको मॉक टेस्ट देना ही है, जो पढ़ोगे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट दो टॉपिक वाइज, पर संडे को जो लगाओ वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ और उसके रिगार्डिंग आपको रिविजन नोट्स भी प्रैक्टिस करो और आप जो पढ़ चुके हो उसका एक बार रिवाइज करो। और आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको यूटिलाइज करना है प्रैक्टिस में, आपको टॉपिक्स प्रैक्टिस करना है, फोकस करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करने, लेक्चर में रेगुलर से रेगुलर आपको किसी भी हाल में रहना है, तो ही आपका एग्जाम में कुछ स्कोर रहेंगे। अगर कुछ भी आप इशू करते हो, ड्रॉपिंग इशू करते हो, तो आपका मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलने वाला। और इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।